गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोदी केयर ने अपने मार्च महीने की क्लोजिंग को और ज़्यादा जबरदस्त बनाने के लिए जो है एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया हुआ है। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह मोदी केयर में आने वाले नए ऑफरों की जानकारी और नए अपडेट्स की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मार्च महीने की जो क्लोजिंग डेट मोदी केयर ने आखिरी दी हुई है वो 28 मार्च दी हुई है। 28 मार्च को मोदी केयर की आखिरी क्लोजिंग होगी और 29 मार्च को जो है आखिरी टाइटल क्लोजिंग होगी। टाइटल जो क्लोज होते हैं उसमें जो है आखिरी क्लोजिंग होगी। इस चीज़ को देखते हुए मोदी केयर ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया हुआ है लॉयल्टी प्लान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मोदी केयर में जो लॉयल्टी हुआ करती थी वो 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हुआ करती थी, लेकिन अब मोदी केयर ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है मोदी केयर की जो लॉयल्टी प्लान की जो डेट है, लॉयल्टी की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो मोदी केयर का लॉयल्टी प्लान है वो 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कर दिया है। तो दोस्तों, जो अब आप मोदी केयर का लॉयल्टी प्लान 28 तारीख तक कर सकते हो, जो इसकी लास्ट डेट है वो 28 तारीख तक है। मतलब मोदी केयर ने इसके ऊपर 3 दिन हमको एक्स्ट्रा दे दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोदी केयर में आने वाले नए प्रोडक्टों की जानकारी, नए ऑफरों की जानकारी और उन ऑफरों के अंदर कौन से नए अपडेट्स होते हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।